और बताता भी नहीं था कि वो करना क्या चाह रहा है आगे, तो इसलिए हमको समझ नहीं आता था कि वो कर क्या रहा है। हम, मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों बस बैठ के डिसाइड करते थे कि क्या करें कि ये गेम छोड़ दे। बहुत अलग अलग ट्रिक्स हमने ट्राई किए हैं। वाईफाई बंद करवा दिया था तो कह रहा है मैं बिल भर दूंगा, कहाँ से भरेगा खुद पता बताया नहीं, बस भर दूंगा। तो ऐसा सीन था। तो उसने मतलब उसको जिद थी कि मैं खेलूंगा, तुम लोगों को जो करना करो, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ लेता हूँ ना, पास हो जाऊंगा, बस चलेगा। तो पास ही हुआ था, खैर वो वैसे 12th में ऐसे कोई नंबर नहीं आए थे उसके। तो उसके बाद ये पीएमसी टूर्नामेंट था 2019 में, नवंबर में आए कैसे अक्टूबर में। तो उस टाइम पे उसने पापा को प्रॉमिस किया था कि मतलब वो भी देख रहा था कि हम बहुत तंग है, तो उसने प्रॉमिस किया था कि ठीक है ये लास्ट मुझे टाइम दे दो, मेरे को जाना है, अगर तो मैं कुछ कर लेता हूँ तो ठीक है, नहीं करता हूँ तो जैसा तुम बोलोगे मैं पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दूंगा, जो तुम बोलोगे वो करूंगा। तो उसका वो प्रॉमिस था कि ठीक है। तो पापा ने भी जाने दिया कि चलो ठीक है, अगर कह रहा है तो मतलब अगर पर कहता है कोई बात तो वो करता है, वो ऐसे फेंकता नहीं है। तो पापा को था कि ठीक है, और हम लोग अंदर से ही प्रे कर रहे थे कि इसकी बकवास खत्म हो, आए और पढ़ाई वढ़ाई शुरू करे। बट फिर वो गया टूर्नामेंट में, वहां पे वो सेकंड आया था, पापा भी गए थे देखने। तो बस पापा जिस दिन देखने गए थे उस दिन घर आए हैं, और वो मतलब मैंने उनको इतना खुश देखा है इतने महीनों बाद, बस मैं जानती हूँ, मतलब मेरे को रोना आ गया था कि पापा कितना खुश है बर्थ से। तो बस वो टाइम था, उसके मेरे को अभी भी रोना ही आ रहा है, बस वही टाइम था। उसके बाद से सिर्फ अच्छा ही होता गया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि पर्व ने, उसको जो पसंद है उसने वो किया और बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम।